नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। ये तस्वीर देखिए कि सड़क के बीचों बीच 100 गमले लगाए गए हैं और इसके जो दूरी है, उसका जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में सड़क के बीचों बीच गमले लगाए गए हैं। और ये गमले आम गमले नहीं हैं, महंगे गमले हैं। 500 से लेकर 600 रुपये तक का खर्च एक गमला पौधे सहित आता है। और इस पूरे काम को पूरा किया है रिटायर्ड फौजी ने, जिनका नाम है संजय कुमार। हमने आपको संजय कुमार का भी वीडियो दिखाया। संजय कुमार का वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। और अब इस पौधे को लगाया गया है और हर दिन सुबह शाम पानी दिया जाता है। और स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के, वो भी अब एनवायरनमेंट को लेकर जागरूक हो रहे हैं। और आज पर्यावरण दिवस है, स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। ये बताइए कि आपके मोहल्ले में पौधे लगा है और इस शख्स रिटायर्ड फौजी ने लगाया है, आप लोग किस तरीके से इसको सहयोग करती हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर लंबा दायरा है पौधे है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सहयोग करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा हम लोगों को ऑक्सीजन के लिए भी बहुत अच्छा है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। कौन से, क्या नाम है तुम्हारा? अनन्या रूही। ये क्या है? ये पौधा है। पानी देते हो कभी? हाँ देते हैं। पौधा होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है, पता है? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 1। देखिए, आपके बच्चे भी बहुत जागरूक हैं पौधे को लेकर। हाँ, क्यों, हम लोग अपने घर में भी पेड़ पौधा बहुत सारे लगाए हुए हैं। सब हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधा लगाना। और ये संजय जी हैं जो मतलब हम लोग को बहुत जागरूक करते हैं पेड़ पौधा लगाने में। मतलब बहुत अच्छे नेक इंसान हैं ये, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं इनका देना चाहती हूँ। पानी देती हैं? हाँ पानी देते हैं। आपका घर कौन सा है? चलिए, ये घर है और आप अपने घर के सामने जो भी पौधे हैं उसको पानी देते हैं। हाँ देते हैं। क्या कहेंगे, आज पर्यावरण दिवस है, क्या संदेश देंगे लोगों को, पौधे लगाना चाहिए सबों को? हाँ लगाना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, हम लोग को, सभी लोग को लगाना चाहिए। हाँ। क्योंकि पेड़ पौधा रहेंगे तभी तो हम लोग ऑक्सीजन मिलेगा, बारिश होगी। हाँ। और एक और शख्स हैं जो स्थानीय है, पौधे लगे हुए हैं आपके मोहल्ले में। पानी वानी देते हैं आप लोग, किस तरह का सहयोग करते हैं? पानी भी देते हैं और जो इसमें घास जमता है, निराधिकरण जो घास इसमें निकालते हैं, और सुबह जो है एक बार हर पौधे को देखते हैं, और जहाँ भी पौधा सूख जाता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो पानी डालने वाले बंदे डिटेल हैं, अगर नहीं डालते हैं तो खुद से डालें और खुद इससे गमला लगाएँ, खुद से इसमें पौधा डालें। और ये आपसी सहयोग एक दूसरे के सहयोग से जाके ये पूरा होगा। अकेला एक आदमी के रोग की चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए कि एक आदमी अपने घर के एक गमला लगा दे और उस पर ध्यान दे, अगर सब लोग लगा दे, अगर एक आदमी एक गमला देके और एक अपने घर के आगे लगा के और सब लोग सहयोग दे, तो ऑटोमेटिक ये काम पूरा हो जाएगा। संजय जी ने मोहल्ले में पौधे लगाने की मुहिम की शुरुआत की और आप लोग स्थानीय हैं, सबों का सहयोग मिल रहा है। जी, सहयोग मिल रहा है, हम लोग सहयोग करते हैं। चलिए, आप संजय जी से भी मिल लेते हैं, स्थानीय लोगों से हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लगातार सब लोग बता रहे हैं कि लोग भी सहयोग करते रहें, स्थानीय जो लोग हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है, क्या कहेंगे? सर ये मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने ये जो पहल शुरू किया, यहाँ स्थानीय लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो गया है और इतने महंगे महंगे गमले जो हैं वो सुरक्षित हैं। और ये जो रोड है अन इको फ्रेंडली था, तो इसको इको फ्रेंडली बनाना बहुत ज़रूरी है। हम किसी के ज़मीन में तो अभी पेड़ नहीं लगा सकते हैं, वो घर बनाएंगे या क्या करेंगे, तो हमें ये जगह सूटेबल लगा कि फ़िलहाल इस पर इसको डेवलप किया जाए, आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो उस पर फिर पुनः विचार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, हमने आपको एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी आज दिखाई। पर्यावरण दिवस है, इस मौके पर पटना की एक सड़क जहाँ पर बीचों बीच 1 किलोमीटर तक गमले लगाए गए हैं, और गमले कोई सरकारी संस्था या एनजीओ की तरफ से नहीं बल्कि एक रिटायर्ड फौजी ने ये गमले लगाए हैं, और सहयोग जो है सभी स्थानीय दे रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही है।